गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, दिस इज सीता शर्मा मैडम एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सोशल साइंस. बट बिफोर दैट चिल्ड्रेन, आई वांट टू नो हाउ आर यू ऑल. आई होप यू आर ऑल फाइन, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इन दिस कोरोना टाइम. बी केयरफुल, वॉश योर हैंड्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. सो टुडे I'll tell you what things you should do in family. So that's what we have a chapter called Family Relationship. Here is a story about this boy Angad. Okay, beta, see here, this boy is Angad. Okay, now here, this boy Angad let me read out this. I am Angad. I live with the members of my family. They give me love and affection. I share my thoughts and feelings with them. Whenever I am in doubt, I ask my parents, grandparents, uncle or aunt for advice. Sometimes my sibling or cousins come up with the best advice to make a decision. Now this, what does this mean that he is telling about himself? Now this boy is known as Angad. Okay, he lives with his mother, the mother and father, and this is his sibling. Sibling means अपने बहन भाई. आपके जो छोटे बहन हो या बड़ी बहन हो, आपके जो छोटे भाई हो और बहन हो, उसको बोलते हैं sibling. देखिए यहाँ पे sibling का मतलब मैंने आपको समझाया है. देखिए ये देखिए यहाँ पे वर्ड सिबलिंग आया है. ये देखिए, दिस वर्ड इज नोन एज सिबलिंग. ओके, इस सिबलिंग का मतलब ये होता है. नाउ यहाँ पे एक और वर्ड है बेटा, कज़न. ये कज़न का मतलब क्या होता है? कज़न बेटा आपके मम्मी के साथ, मतलब सॉरी, आपकी मौसी के बच्चे, आपकी भुआ के बच्चे, आपकी चाची के बच्चे या चाचा के बच्चे, इन सब के बहन, आपके भी बहन भाई हुए ना, तो ऐसे लोगों को कज़न बोलते हैं. वैसे बहन भाइयों को कज़न बोलते हैं. अच्छा, ठीक है. अब देखिए, जब हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं तो हम क्या करते रहते हैं बेटा? हम कैसे फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं तो वो हमारे साथ क्या करते हैं? लव एंड अफेक्शन. लव और अफेक्शन मिलता है. लव तो जानते हैं आप बेटा, प्यार. अफेक्शन का मतलब होता है दुलार. ओके, हम जब फैमिली में रहते हैं वो हमको सबको वहाँ पे लव एंड अफेक्शन देते हैं. आई शेयर माई थाट्स. हम थाट्स मतलब हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं, थाट्स बताते हैं, विचार बताते हैं. आज मेरा ये खाने का मन है, आज वो खाने का मन है, मम्मी ऐसा करना है, वैसा करना है. सो ये हमारे थाट्स और फीलिंग्स होते हैं और ये हम अपने फैमिली में खुल कर बात करते हैं. और जब भी हमको कोई डाउट होता है, सी वेन एवर आई एम इन डाउट, मतलब अंगद बोल रहा है, जब उसको कोई डाउट होता है तो वो अपने घर में सबसे बात करता है, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, अंकल आंट, और एडवाइस लेता है. व्हाट इज़ दिस एडवाइस बेटा? एडवाइस होता है सलाह लेना. जब हम किसी से सलाह लेते हैं तो हम बोलते हैं कि वो जो हमको देता है उसको बोलते हैं एडवाइस. ये देखिए एडवाइस यहाँ पे है, ठीक है. और मैंने बताया कि वो एडवाइस किसे लेता है? अपने पेरेंट्स से लेता है, ग्रैंड पेरेंट्स से लेता है, अंकल से लेता है, आंट से लेता है, और यहाँ तक कि कभी कभी वो अपने सिबलिंग्स से भी लेता है. ये देखिए सिबलिंग्स, मैंने अभी आपको बताया सिबलिंग का मतलब अपने बहन भाई, और कज़न का मतलब जो हमारे रिश्ते में बहन भाई लगते हैं उनसे भी लेता है. और जो सबसे बेस्ट एडवाइस होती है ना बेटा, उसको वो फॉलो करता है, जो उसको अच्छा लगता है, और उसी से वो अपना डिसीज़न का मतलब होता है बेटा लास्ट फैसला. लास्ट में वो सबकी सुनता है लेकिन लास्ट में अपना फैसला लेता है, जो उसको बेस्ट लगे वो करता है वो. ये अंगद है. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉस्टर चिल्ड्रेन आर नॉट अडॉप्टेड बट लीव विद द फैमिली फॉर अ फिक्स पीरियड. ये फॉस्टर चिल्ड्रन क्या होते हैं बेटा? कभी कभी हमारे घर में कोई आकर रहते हैं, सपोज़ एग्ज़ाम पूरी करने आते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं, और वो करते हैं तो हम उनका केयर करते हैं, आपकी मम्मी पापा उनका केयर करते हैं. बाद में वो चले जाते हैं कुछ समय बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद, ऐसे बच्चों को बोलते हैं फॉस्टर चिल्ड्रन. और उस वक्त
जो उनका ध्यान रखता है वो बन जाते हैं फॉस्टर पेरेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, फैमिली में क्या होता है, कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब होता है कौन कौन होते हैं। तो फैमिली में सबसे पहले फैमिली में होते हैं मैरिड कपल। एक कपल का मीनिंग क्या होता है बेटा, कपल का मतलब होता है दो जन, मम्मी पापा। मम्मी पापा तो होते ही होते हैं, और कौन होता है, बच्चे भी होते हैं, बोथ नेचुरल और एडप्टेड, हाँ एंड एडप्टेड अदर देन कपल्स। एक मिनट, क्या ये चैप्टर भगता बहुत जल्दी जल्दी है। तो एडप्टेड फैमिली मेंबर्स शेयर अ कॉमन रेसिडेंस। तो फैमिली में सबसे पहले मैरिड कपल होते हैं बेटा। ये मैरिड कपल क्या होता है, मैरिड कपल होता है मम्मी पापा जिनकी शादी हो गई है, और बच्चे ज़रूर होने चाहिए। बच्चे अगर नहीं होते हैं नेचुरल, बहुत नेचुरल, कभी कभी हम बच्चे नहीं होते तो आपने सुना होगा कि किसी से गोद लेते हैं, फ्रॉम गोद लेते हैं। ये गोद लिए हुए बच्चे क्या होते हैं बेटा, उनको एडप्टेड बोलते हैं। ये गोद लिए हुए बच्चों को क्या बोलते हैं, एडप्टेड। तो ये एडप्टेड बच्चों के साथ जब हम एक फैमिली में रहते हैं विथ यहाँ देखिए, आगे देखिए लिखा है विथ कॉमन रेसिडेंस। ये कॉमन रेसिडेंस क्या होता है बेटा, कि एक ही घर में रहते हैं। रेसिडेंस घर को दूसरा नाम रेसिडेंस भी है, ठीक है, घर को हम रेसिडेंस भी बोलते हैं। तो इस बात को, और एक कॉमन सरनेम बोलते हैं। सरनेम का मतलब तो आप जानते ही हैं, आप क्लास 3 में पढ़ा है कि सरनेम वो होता है जो हमारे नाम के पीछे आता है, जैसे गुप्ता, चौरसिया, साहू, वर्मा, इन सबको सरनेम बोलते हैं। एक ही घर में रहते हैं तो फैमिली की क्या खास बात होनी चाहिए, कि फैमिली में एक मम्मी पापा होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए, एक सरनेम होना चाहिए, और एक ही फैमिली में रहना होना चाहिए। तो ये फैमिली के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली मे लिव अवे फ्रॉम द फैमिली होम और फॉर एजुकेशन और जॉब्स। आपने देखा होगा कि कुछ फैमिलीज होते हैं जिसमें कुछ बच्चे कभी बाहर गए हुए होते हैं। मेरा भी बेटा बाहर जाके पढ़ रहा है, तो मेरी फैमिली का वो हिस्सा ही तो है, लेकिन वो हॉस्टल में पढ़ता है। वैसे ही कुछ लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, जैसे कि मेरे चाचा जॉब करने के लिए बाहर राजस्थान में रहते हैं। तो ऐसे ही लोग भी होते हैं फैमिली में जो बाहर जाके काम करते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वो क्या हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं हैं? नहीं बेटा, वो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। वो आते हैं जब काम पूरा हो जाता है या पढ़ाई पूरी हो जाती है, वैसे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर फुलफिल्ड बाय फैमिली। इट लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन एज वेल एज द सिक एंड द ओल्ड मेंबर्स। ऑल फैमिली मेंबर्स लव एंड रेस्पेक्ट वन अनदर। तो नीड्स मतलब बेटा, सी नीड्स का क्या मतलब होता है, ज़रूरतें। तो फैमिली में सबको कुछ ना कुछ की ज़रूरत होती है, और सब कौन फुलफिल करता है, फैमिली मेंबर्स। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आप दादाजी को चश्मा देने जाते हो, न्यूज़पेपर पकड़ाते हो, दवाइयाँ देते हो, है ना। उसी तरह जब आप बीमार पड़ते हो तो सिख चिल्ड्रन आपका ध्यान रखते हैं, पूरे घर वाले ध्यान रखते हैं। और इससे क्या होता है, प्यार और रेस्पेक्ट, इज्जत भी मिलती है। आप, हम उनकी हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। तो फैमिली को इसीलिए कहा गया है कि फैमिली हमारी फर्स्ट, देखिए, फैमिली इज़ अ फर्स्ट स्कूल वेयर द चिल्ड्रन लर्न द डूज एंड डोंट्स। देखिए, आप स्कूल में आने से पहले मम्मी आपको सिखाती है ना, बेटा स्कूल जाते हो तो बेटा आपको सब कुछ आना चाहिए, जैसे कि अपना बैग संभालना, आपकी बुक्स कॉपीज़ वापस रखना, टिफ़िन ठीक से वापस खा के ले आना, हाथ धोना। कुछ चीज़ें स्कूल में सीखते हो, कुछ चीज़ें घर पे सीखते हो। और जो सबसे पहले घर में सिखाया जाता है वो आपका फैमिली मेंबर्स सिखाते हैं। और इसी वजह से स्कूल से पहले आपका घर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। इसीलिए फैमिली इज़ अ फर्स्ट होम
एंड स्कूल इज़ योर सेकेंड होम। बेसिक बातें स्कूल फैमिली सिखाती हैं और उससे ज़्यादा वाली बातें स्कूल सिखाती हैं, इसीलिए सेकेंड होम कौन है आपका? स्कूल। इसीलिए आपको रोज़ स्कूल आने बोला जाता है। ठीक है बेटा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पेज है ये हमारा, यहाँ पे देखिए, द फैमिली मेम्बर्स शेयर द हाउस होल्ड चोर्स, दे फैम द शेयरिंग रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ वन एंड वन फैमिली मेम्बर एंड एनकरेजेस रेस्पॉन्सिबिलिटी। अंगद्स फादर सन्नी सिंह एंड मदर निधि सिंह लुक आफ्टर द फैमिली बिजनेस, हिज ब्रदर आदित्य सिंह टेक्स हिम टू द पार्क इन द इवनिंग, हिज ग्रैंडफादर डॉक्टर प्रमिला सिंह हेल्प्स हिम विथ हिज होमवर्क एंड लुक्स आफ्टर द हेल्थ ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। सी ऑल्सो नरेट्स वंडरफुल स्टोरीज अबाउट ग्रेट पीपल प्लेस एंड इवेंट। अंगद्स ग्रैंडफादर मिस्टर कवलजीत सिंह buys vegetables and fruits for the family. He takes the children to school for nature walk. है ना बेटा, देखिए यहाँ पे तो ये अब आपको मैं आगे बता रही हूँ कि फैमिली में किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे अंगद अपने बारे में बता रहा है कि फैमिली में द हाउस होल्ड जो द हाउ फैमिली मेम्बर्स शेयर द देखिए शेयर्स हाउस होल्ड चोर्स। ये हाउस होल्ड चोर्स क्या होता है बेटा? घर के कामकाज जो सुबह से उठ के करने पड़ते हैं, जैसे पानी भरना, पेड़ों में पानी डालना, सुबह की पूजा करना, घर में न्यूज़पेपर बाहर पड़ा है तो लेके आना, इस टाइप के छोटे छोटे काम आपके होते हैं, आप कर सकते हो। इसके अलावा बाकी लोग भी करते होंगे, जैसे दादी को आपने देखा होगा सुबह से उठ के पूजा की तैयारी कर रही है, तो मम्मी उठ के सुबह से टिफ़िन बना रही है, तो पापा पेड़ों में पानी डाल रहे हैं। ये सारे काम को हाउस होल्ड चोर्स बोलते हैं, जो घर के पूरे काम जो डेली करने पड़ते हैं, एक दिन भी नहीं निपटाना, एक दिन भी नहीं करने से होगा, तो ऐसे काम को हाउस होल्ड चोर्स बोलते हैं। द शेयरिंग रिड्यूसेस द बर्डन। बेटा ये जब हम ये हाउस होल्ड चोर्स एक साथ करते हैं तो इससे क्या होता है, रिड्यूसेस बर्डन ऑन एनी वन मेम्बर ऑफ द फैमिली एंड एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक जन को घर का काम नहीं, एक खाली करे बाकी सब बैठे रहें, ये अच्छी बात नहीं है। घर में सबको अपना अपना काम फिक्स कर लेना चाहिए, और मैं ये काम करूँगा तो दूसरा कोई और काम कर ले, तो तीसरा कोई और काम कर ले, इस तरह से घर में काम को बांट देना चाहिए। इससे बर्डन रिड्यूस होता है और जिम्मेदारी बढ़ती है। ये एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी बढ़ती है। यहाँ पर देखिए अंगद स्वादा, अंगद के पापा हैं ये, जो अंगद के पापा हैं, ओके, ये ऑफिस जाते हैं, और इनका नाम क्या है, सन्नी सिंह, ठीक है, और अंगद की मम्मी का नाम क्या है, निधि सिंह। तो अंगद के पापा क्या करते हैं, हाँ, निधि सिंह लुक्स आफ्टर द फैमिली बिजनेस। ये देखिए निधि भी काम कर रही है, ये है निधि सिंह, ठीक है, और ये है सन्नी सिंह, दोनों मिलके क्या काम करते हैं, घर का बिजनेस संभालते हैं। तो डॉक्टर प्रमिला सिंह, इनकी जो ये जो अंगद है, इसकी जो दादी, ये है दादी बेटा, ये दादी है और ये अंगद है और ये दादाजी हैं, ये देखिए ये दादाजी हैं, ये अंगद के पापा हैं, जो पार्क में भी ले जाते हैं अंगद को कभी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर प्रमिला सिंह है, वो दादी जो है स्टोरी सुनाती है और बच्चे को संभालती है जब घर में बाकी लोग काम कर रहे होते हैं, दादाजी सब्जी लेने चले जाते हैं, पार्क में घुमा भी देते हैं। इस तरह से ये सिंह फैमिली पूरे घर को सबको मिलके अपना अपना काम बंटवा कर रखे हैं और इस तरह से अपना काम करते हैं। देखिए यहाँ पे सिंह इज़ द सरनेम ऑफ अंगद्स फैमिली, तो मैंने आपको सरनेम के बारे में पहले ही बता दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन लर्न गुड बिहेवियर मॉरल वैल्यूज़ एंड ऑल एंड स्किल्स। बेटा हम सबसे पहले फैमिली में
गुड बिहेवियर, अच्छी आदतें मम्मी आपको सिखाती, झूठ मत बोलो, दादी बोलती बेटा ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, और मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। जब भी कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो हमको कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। जैसे अभी आप रामायण में बहुत सारी ज्ञान की बातें सीख रहे होंगे, और स्किल, स्किल क्या होता है बेटा, हुनर, हुनर यानी कि कोई काम करने की कला। जैसे आपकी दादी ने आपकी मम्मी को खाना बनाने का स्किल्स बताया होगा, या आपके पापा ने आपको कुछ अच्छी राइटिंग या अच्छे काम, अच्छा चीज़ सिखाया होगा, गाड़ी चलाना सिखाया होगा या साइकिल चलाना सिखाया होगा। तो ये स्किल होती है, वो चीज़ सिखाई जाती है उसको स्किल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द ओल्डर मेंबर्स, ये ओल्डर मेंबर कौन होते हैं बेटा, जो थोड़े एज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़े लोग ऑटोमेटिकली पास द वैल्यूज़ ऑन द फैमिली ट्रेडिशंस टू द यंगर जनरेशन। द फैमिली लर्न टू टॉक पोलाइटली, ग्रीट गेस्ट एंड रेस्पेक्ट। इसका मतलब होता है बेटा कि ओल्डर लोग, जो ओल्ड पीपल होते हैं, वो अपनी सारी संस्कृति, ज्ञान, ट्रेडिशन, नॉलेज वो किसको पास करते हैं, यंगर को, जनरेशन को। इसका मतलब होता है दादाजी आपके पापा को सिखाएंगे, आपके पापा आपको सिखाएंगे, उसी तरह दादी मम्मी को सिखाएगी, मम्मी फिर आप लोगों को सिखाएगी। तो इसको बोल रहे हैं ट्रेडिशंस पास करना, पूजा करने को सिखाना हो, या कोई भी घर के कुछ कार्य हैं जिन, जो घर में आपके किए जाते हैं, उनको सिखाने को बोलते हैं यंगर जनरेशंस पास ऑन करना। द चिल्ड्रन लर्न टू टॉक पोलाइटली, सबसे पहले पोलाइटली बात करना, ढंग से बात करना, घर में आए हुए नमस्, घर में आपके घर में कोई आते तो आपकी दादी बोलती है कि नहीं बेटा नमस्ते करो, पैर छुओ, जाओ बेटा पानी लेके आओ, रेस्पेक्ट करो। ये सारी चीज़ें फैमिली में सिखाई जाती है, और फैमिली से बेस्ट आपको कोई सिखा नहीं सकता। फिर दे लर्न हाउ टू अरेंज देयर बुक्स, टॉयज, सी बटन, देयर क्लोथ्स, पॉलिश देयर शूज एंड ले द टेबल फॉर द फैमिली मील। दे ऑल्सो लर्न फैमिली क्राफ्ट लाइक वीविंग, पेंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग, पॉटरी। सपोज आपके फैमिली में जैसे घर में साफ़ सफाई करना सिखा रहे हो, भाई किताबें ऐसे रखो, खिलौने चलो उठा के रख दो, चलो छोटी छोटी चीज़ें आप करो, पॉलिश करो अपने जूतों को अपना, चलो खाना लग रहा है, मम्मी खाना लगा रही है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, पानी भर के टेबल पे रख देना चाहिए, या फ्रूट्स काटने हैं, आम, जैसे भी इस सीज़न में आम खाते हैं तो आम काट के भर के रख देना चाहिए, पापड़ वगैरह सेक दिए तो ले जाके टेबल पे लगा दो। इस तरह से आप अपनी मम्मी को हेल्प कर सकते हो। और सब मान लो आपके फैमिली में कोई बिजनेस चल रहा हो, कुछ काम हो, जैसे कोई चटाई बना रहा हो या ज्वेलरी बना रहा हो, पेंटिंग बना रहा हो, तो वो सारी चीज़ें भी आप अपनी फैमिली में सीख सकते हो। बेटा अभी आप घर पर हो, आप छुट्टियों में आप फैमिली बिजनेस भी सीख सकते हो, जो चीज़ घर में अभी अवेलेबल है, तो अगर आपके पेरेंट्स सिखा रहे हैं तो सीख लेना चाहिए। अब आती है जॉइंट फैमिली। यहाँ पे बेटा आप जॉइंट फैमिली तो जानते ही हो कि जॉइंट फैमिली में कौन होता है, जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स के अलावा मैरिड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। ये न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे एक साथ रहते हैं। अब जैसे बहुत सारे फैमिली मतलब चाचा लोग का परिवार, मम्मी लोगों का परिवार, और दादी लोगों का परिवार, भुआ लोगों का परिवार, या फिर बड़े पापा बड़ी मम्मी का परिवार को मिलाकर एक बड़ी फैमिली बनाते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। और वो सारे छोटे छोटे फैमिलीज मिला के, न्यूक्लियर फैमिलीज बना के एक बड़ी फैमिली बनती है, जिसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। इस जॉइंट फैमिली में सबसे पहली बात, वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, सारे के सारे लोग एक ही छत नीचे, एक ही किचन में खाना बनता है, और पूरे घर के सब मालिक होते हैं। अब बच्चों के लिए कमरा होता है जिसमें सब एक साथ रहना सीखते हैं, शेयरिंग करना सीखते हैं, हारमनी। ये हारमनी का मतलब क्या होता है बेटा, सुख शांति से रहना। कभी झगड़ा हो रहा है होता है तो दादी बोलती है नहीं बेटा भाई आपका रहने दो, मम्मी बोलती रहती है नहीं बेटा आपकी चाची ऐसे बात नहीं करते, दादाजी से ऐसे करो, पापा से ऐसे बोलो, बुआ को ये ध्यान दो। केयरिंग करना, दादी का केयर करना, किसी की मेम्बर के केयर करने को, ये सारी चीज़ें हम जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है बेटा, एक छोटी सी स्टोरी है। देखिए जॉइंट फैमिली की फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये बहुत जल्दी जल्दी स्लाइड भाग जाती है बेटा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं बहुत धीरे धीरे भगाना चाहती हूँ, और ये जल्दी देखो,
लग गई फिर से। चलो धीरे धीरे करते हैं। अरे देखो ये क्या है, देखिए ये फोटो देख रहे हैं आप। हाँ ये है छोटी फैमिली और ये है बिग फैमिली। देखिए इसमें दादा दादी चाचा चाची आप बच्चे सब हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है बेटा, स्टोरी को मैं पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती। इंदू'स फादर डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट इन डिब्रूगढ़ आसाम। इंदू एंड हर मदर शिफ्टेड टू मेरठ टू लिव विद हर फादर्स पेरेंट। इंदू'स मदर वॉज नॉट ट्रेंड फॉर एनी जॉब, सी लर्न कंप्यूटर एंड ऑफिस मैनेजमेंट, नाउ सी वर्क्स इन अ फैमिली। इंदू'स फादर हु वॉज अ नेशनल लेवल स्विमर टीचर्स हर स्विमिंग ड्यूरिंग द समर वेकेशन ही टेक्स ऑल द चिल्ड्रेन टू द फैमिली स्विमिंग पूल एंड कोचेज दैम। इंदू एंजॉयज हर कजन्स कंपनी। देखो बेटा ये है एक स्टोरी इंदू की, यहाँ पर एक नई स्टोरी स्टार्ट हो गई है। ये देखो पता नहीं क्यों सेकेंड चैप्टर बार बार आ जाता है, इसको उड़ा दिया जाए। ये देखिए ये है इंदू की फैमिली, ओके। और ये उसके नाना जी हैं, ये इंदू है और ये उसका कज़न है, ठीक है। अभी इंदू के पापा रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, वो आसाम में रहते थे, ठीक है। तो इंदू और इंदू की मम्मी अकेले हो गई, तो उनके नाना जी मेरठ में रहते हैं, उन्होंने क्या किया पूरे फैमिली को मेरठ ले आए। और अब इंदू और इंदू की मम्मी अपने नाना जी के साथ रहते हैं। इंदू की मदर काम करने सीखने के लिए चली जाती है कंप्यूटर पे ताकि वो घर खर्चा चला सके, और इंदू के जो नाना जी हैं उनको स्विमिंग आती है तो वो स्विमिंग करना सिखाते हैं इंदू को, और इंदू के साथ रोज़ शाम को यहाँ स्विमिंग सीखते हैं। इंदू की जो मामा मामी का जो बच्चा है वो इंदू का कज़न है, इंदू उसके साथ रहना पसंद करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये न्यूक्लियर फैमिली के बारे में और जानकारी दी रही है। ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ मैरिड कपल, अभी हम जॉइंट फैमिली के पढ़ रहे थे, अब हम न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। इसमें एक मैरिड कपल होगा, कपल का मतलब आप जानते ही हो कि जो शादीशुदा मम्मी पापा वैसे, और विद देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। इसमें जो बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है वो मम्मी पापा के साथ अगर रह रहे होते हैं तो ही वो न्यूक्लियर फैमिली। जैसे ये देखो मम्मी पापा है, ये मम्मी पापा बच्चे और यहाँ पे और कोई नहीं है, ऐसी फैमिली इसको बोलते हैं। कौन सी फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली। इन न्यूक्लियर फैमिली द पेरेंट्स, यस इन न्यूक्लियर फैमिली द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन सिबलिंग प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट कंपेनियनशिप। बेटा मैंने आपको सपोर्ट का मीनिंग क्लास 3 में सिखाया था, सपोर्ट मतलब हेल्प करना फैमिली में ये करना, कंपेनियनशिप का मतलब होता है दोस्ती प्यार मोहब्बत मतलब जुड़ाव, ओके। कंपेनियन का मतलब होता है फ्रेंड और फ्रेंडशिप, तो हम जब भी अपने बहन भाइयों के साथ एक फ्रेंडशिप जैसा रिश्ता भी रखते हैं। एंड एडवाइस टू द चिल्ड्रेन, तो जब भी हमारे सिबलिंग्स यानी कि हमारे जो छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई, हम एक दूसरे को ए बेटा ऐसे कर, नहीं इसको ऐसा नहीं करना है, ऐसे कर, इसको ऐसा रख वैसे रख, ये एडवाइस हम देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक तरह से कंपेनियन भी हैं, कंपेनियन यानी फ्रेंड भी हैं। एंड द देखो एडवाइस ऑफ द चिल्ड्रेन एज देयर कजन्स अंकल्स
aunts, parents do not live with them, क्योंकि वो और कोई वहाँ पे उनकी फैमिली में रहता ही नहीं, सिर्फ वो बच्चे बच्चे रहते हैं, तो वो एक दूसरे को एडवाइस देते रहते हैं. देर इज़ ग्रेटर रिएक्शन. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत बातचीत होती है. न्यूक्लियर फैमिली में ना ग्रेटर रिएक्शन होता है, बातचीत ज़्यादा होती है क्योंकि मेम्बर कम होते हैं. और बिग फैमिलीज़ में ज़्यादा बातचीत इसलिए नहीं होती कि कोई कहाँ है, कोई अपना काम कर रहा है, तो यूजुअली बातें नहीं होती हैं. और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ज़्यादा बातें होती हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में. ये एक है. यहाँ पे देखिए, अंगद्स अंकल वर्क इन अ बैंक. ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू लद्दाख. हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन आर ऑल्सो गोइंग विथ हिम. द होल फैमिली इज़ फीलिंग सैड. अंगद्स अंकल संदीप एंड हिज वाइफ प्रिया वेंट टू रेंट अ हाउस इन लद्दाख. देयर चिल्ड्रन रिया एंड विकास मिस देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट एंड कजन. देयर पेरेंट्स आर हेल्पिंग देम टू एडजस्ट. ये अंकद के अंकल हैं. ये देखिए, इनका बैंक में ट्रांसफ़र हो गया है और उनको कहाँ जाना है, लद्दाख. तो लद्दाख जब जा रहे हैं तो उनकी जो वाइफ और बच्चों को लेकर जाते हैं, तो पहले पता, जब भी हम कहीं जाते हैं नई जगह पे, तो सबसे पहले घर ले लेते हैं, और घर लेने के बाद फैमिली को शिफ्ट करते हैं, फिर वहाँ पे स्कूल वगैरह शिफ्ट कर लेते हैं. तो फैमिली मेंबर्स, जब हमारे घर का कोई एक मेंबर बाहर जाके रहने लग जाता है तो हम सब उदास हो जाते हैं. तो यहाँ पे अंकद के जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो उदास हो गए हैं, लेकिन फिर भी जॉब है अंकद की तो उनको जाना पड़ेगा, बोल के चले गए हैं. ठीक है, समझ गए बेटा. अगर आपको कोई डाउट हो तो बाद में आप पूछ सकते हैं. चलिए अंगद के बारे में और दें. अंगद का एक फ्रेंड है पार्थ. ओके, अंगद वेंट टू पार्थ्स हाउस टू सी हिज बेबी सिस्टर श्वेता. पार्थ टोल्ड हिम दैट सी ग्रू अप इन हिज मदर्स बॉडी. सी वॉज डिलीवर्ड इन अ हॉस्पिटल एंड ब्रॉट होम. अंगद वंडर्ड वेयर शी वुड स्लीप एंड व्हाट सी वुड ईट. अंगद बेटा ये अब अपने फ्रेंड के घर गया, तो वहाँ पे उसने देखा कि अंगद के फ्रेंड के यहाँ उसकी एक छोटी बहन हुई है, और वो बहुत छोटी सी बच्ची को कभी देखा नहीं था, तो वो बड़ा खुश हुआ. वो सोचने पढ़ाई खाएगी कैसे, रहेगी कैसे, और वो क्या खाएगी क्या करेगी, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था ना, तो वो थोड़ा वंडर मतलब सोचा कि सोएगी क्या, खाएगी क्या, कौन ध्यान रखेगा. तो वो ये सब पूछ रहा था अपने फ्रेंड से. इस तरह से हम फ्रेंड से पूछ कर के अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं. चेंजिंग फैमिली सिस्टम इन इंडिया. इसका मतलब हम क्या होता है कि आजकल क्या चल रहा है इंडिया में. द फैमिली सिस्टम इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट. फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम विच हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया इज चेंजिंग एज पीपल आर मूविंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड. दे माइग्रेट टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ और सुटेबल क्लाइमेट. अभी क्या हो रहा है बेटा, बड़े बड़े फैमिलीज इंडिया में आजकल नहीं है. आजकल सब कोई जॉइंट फैमिलीज, आजकल क्या हो रही है, चेंज हो रही है. क्यों चेंज हो रही है, बहुत सारे कारण हैं. सर्च ऑफ बेटर जॉब्स के कारण, क्लाइमेट के कारण, या फिर एक ही घर में ज़्यादा दिन नहीं रह पाते हैं. बड़े बड़े जॉइंट फैमिलीज़ में झगड़े भी होते हैं, तो इस वजह से कभी कभी ऐसे फैमिलीज़ में एजुकेशन के कारण भी और सुटेबल क्लाइमेट के कारण, जॉब्स के कारण, सब तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी झगड़े हो जाने के कारण भी जॉइंट फैमिलीज़ नहीं रह रही हैं. आजकल लोग प्रिफर करते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ में. यहाँ पे देखिए, ऑल द फैमिली मेम्बर्स गेट टुगेदर फॉर सेलिब्रेशन, वेडिंग, फेस्टिवल्स और बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. लेकिन फैमिली मेम्बर्स जिनमें झगड़ा हो जाता है बाद में, वो बाहर दूर दूर रहते हैं, लेकिन फैमिली का कोई फंक्शन है, मैरिज है, शादी है, और या फिर कोई बर्थडे है, तो कोई बच्ची का जन्म हुआ है, तो वो लोग पहुँच ही जाते हैं. दुख में फैमिली मेम्बर्स का आना स्वाभाविक है. इन अर्लियर टाइम्स मोस्ट पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. इट रिक्वायर्स मेनी हैंड्स दैट वेर अवेलेबल इन अ जॉइंट फैमिली, बट द इनकम फ्रॉम लैंड वॉज नॉट सफिशेंट टू इंक्रीज द साइज ऑफ फैमिली. हैंस सम मेम्बर्स मूव टू सिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस फील्ड. न्यूक्लियर फैमिलीज बिकेम कॉमन इन द रूरल एरियाज. इवन इन अर्बन एरियाज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इज इंक्रीज्ड एज मेनी members move to other cities or countries for
एजुकेशन, ये देखिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट, इन सब के कारण फैमिलीज आवे। पहले क्या होता था बेटा, पुराने ज़माने में एक ज़मीन होती थी, उसमें पूरे परिवार वाले एक के साथ उस ज़मीन पे निर्भर होते थे, उसी से जो भी कुछ खाना वाना आता था उसी से रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन उससे सभी फैमिली मेम्बर्स के खर्चे नहीं निपटते थे। तो फिर कुछ लोग परिवार का ध्यान रखने के लिए गांव में रह गए, और बाकी लोग क्या करते थे, मूव टू सिटीज़ चले गए, एम्प्लॉयमेंट ढूंढने लगे, वहीं पे काम ढूंढने लगे, फिर धीरे धीरे वहीं रहने लग गए, फिर धीरे धीरे वहाँ पे शादी करके रहने लग गए, फिर वहीं बचे। इस तरह से फैमिलीज धीरे धीरे अपने आप अपनी ज़रूरतों के कारण फैमिलीज़ में अलगाव आने लगा, और धीरे धीरे और न्यूक्लियस फैमिलीज बन गई। और ये प्रॉब्लम सिर्फ शहरों में नहीं, गाँव में भी है, गाँव में भी और शहरों में। तो मैंने अभी आपको बताया एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड क्लाइमेट के कारण न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बनती जा रही हैं। वॉट एवर द टाइप ऑफ फैमिली में, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इज इम्पॉर्टेंट। फैमिली प्रोवाइड एनवायरनमेंट ऑफ केयर, प्रोटेक्शन, लव एंड बिलोंगिंग। कोई भी फैमिली हो, जॉइंट हो, छोटी हो, बड़ी हो, केयर होना चाहिए सबका, प्रोटेक्शन, ध्यान रखना चाहिए, लव होना चाहिए, बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस का मतलब अपनापन होना चाहिए। तो वो चाहे जॉइंट फैमिली हो, चाहे बिग फैमिली हो, सारी फैमिलीज़ अच्छी होती हैं, वो सबसे आइडल फैमिली, आइडल मतलब बेस्ट फैमिली होती हैं। यहाँ पे देखिए फैमिली यूनिटी, ये फैमिली यूनिटी इंक्रीज फॉर पड़ेंगे। एक अच्छी फैमिली तभी बन सकती है जब फैमिली के सारे मेम्बर्स ट्रीट ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली विथ रेस्पेक्ट होना चाहिए, फॉरगिवनेस। झगड़े भी होने चाहिए, लड़ाई भी होने चाहिए, लेकिन उन बातों को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, जल्दी ख़त्म करते नहीं चाहिए। स्पेंड क्वालिटी टाइम, हाँ, पिकनिक मनाना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, आउटिंग पे जाना चाहिए। इस तरह से हम पूरे फैमिली मेंबर्स एक साथ अपने फैमिली में रह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बेटा मैंने आपको ये पूरा चैप्टर समझा दिया है, और इस बीच में आपको कोई डाउट हो आप इस वीडियो में ही क्लिक करके मेरे को आप भेज सकते हैं वापस। चलिए अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पे जाते हैं। आज मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग तक निपटा दूँगी, ख़त्म कर दूँगी। फिर कल मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको वो भी भेजूँगी, व्हाट क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स डू, व्हाट डू द फैमिली मेम्बर्स शेयर इन कॉमन। मैंने आपको बताया था फैमिली मेम्बर्स में क्या चीज़ कॉमन शेयर करते हैं, बेटा सरनेम शेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे सरनेम, ठीक है। चलिए, हु प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन न्यूक्लियर फैमिली। सपोर्ट कौन देता है, न्यूक्लियर फैमिली बोला। देखिए इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली बोला है, तो हमको लिखना है पेरेंट्स एंड सिबलिंग, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में तो अंकल और आंट होते ही नहीं। बोथ का मतलब ये दोनों हो नहीं सकता। अंकल और आंट तो न्यूक्लियर फैमिली में होते नहीं, बोथ माने ये दोनों हो नहीं सकता। तो बचा आंसर पेरेंट्स एंड सिबलिंग। वे डू वी गेट अ एनवायरमेंट ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस। देखिए लव एंड बिलोंगिंगनेस तो मार्केट में मिलता ही नहीं। लव तो मैंने आपको बताया, लव केयर मतलब अपनापन तो आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। हाँ, फैमिली में मिलेगा, गार्डन में तो मिलेगा नहीं। वहाँ पे आपको प्यार जरूर मिल जाएगा, गर्लफ्रेंड जरूर मिल जाएगी, लेकिन आपको अपनापन नहीं मिलेगा, वो प्यार फैमिली में ही मिलेगा। सो पीपल मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लोग काम करने भी जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, इसलिए इसका आंसर बोथ होगा। चलिए ठीक है, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स लव एंड रेस्पेक्ट। तो बेटा फर्स्ट का आंसर रेस्पेक्ट होगा, लव एंड रेस्पेक्ट। लव के साथ हमेशा, देखिए लव कीवर्ड होगा तो रेस्पेक्ट हमेशा उसका आंसर होगा। द फैमिली मेम्बर्स शेयर द हाउस होल्ड चोर्स। ये चोर्स का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, काम है ना। एंड अ डैस फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रेन। तो बेटा ये होगा आपका जॉइंट फैमिली में ही मैरिड और पेरेंट्स और मैरिड चिल्ड्रेन। मैरिड मतलब शादी होने के बाद बच्चे भी वहीं रहते हैं, तो वो मैरिड हो गया, मैरिड जॉइंट फैमिली हो गई। इन न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स प्रोवाइड सपोर्ट। पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं बच्चों को, है ना। एंड ईच मेम्बर ऑफ अ फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है बेटा। अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं मैचिंग की तरफ। तो ये रहा आपका फैमिली में क्या होता है बेटा। फैमिली में हम केयर, प्रोटेक्शन एंड
बिलोंगिंगनेस होता है. तो ये आया के प्रोटेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस. एडप्टेड चाइल्ड, मैंने बोला ना जो गोद लेते हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे परमानेंट मेंबर. न्यूक्लियर फैमिली में बेटा सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन ही होते हैं. और फैमिली क्राफ्ट यानी कि कुछ काम सीखना यानी वीविंग ये होगा. जॉइंट फैमिली बच गया. जॉइंट फैमिली बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिली से बनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था. चलिए यहाँ पे देखिए एक और सेक्शन है आपका सेक्शन डी, जिसमें आपको गलत चीज़ों को हटा के एकदम वो लिखना है. तो शेयरिंग ऑफ चोर्स इंक्रीजेस द वर्क, यानी बहुत सारे लोग अगर काम करें तो वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज. तो बेटा आपको सिर्फ ये हटा के बाकी पूरा सेंटेंस सेम लिखोगे और वहाँ पे डिक्रीज लिखना है. डिक्रीज ओके आप लिख लेना. यहाँ पे मेरे पास लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिख लेना ठीक है. द ओल्डर फैमिली मेम्बर्स पास ऑन द फैमिली ट्रेडिशन टू द, यहाँ पे देखिए इसको हटाना पड़ेगा, हाँ टू द ओल्डर. ये जो ओल्डर है ना बेटा यहाँ पे आएगा यंगर ठीक है. मैं जगह नहीं हो फिर से एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ. यंगर ठीक है, ओल्डर की जगह आपको यंगर लिखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देर इज लेस इंटरेक्शन, यहाँ भी जो लेस लिखा ना बेटा यहाँ पे आपको मोर लिखना है क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वहाँ पे मोर इंटरेक्शन करते हैं. मोर मतलब ज़्यादा. फैमिली नेम इज़ अ स्कूल, सरनेम इज़ अ स्कूल नेम, यहाँ पे स्कूल नहीं आएगा बेटा यहाँ पे फैमिली आएगा ओके. तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ. आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं. मेरे जो टाइमिंग रहेगा मैं उस वक्त आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी, डाउट्स क्लियर कर दूँगी. इसके अलावा बेटा क्वेश्चन आंसर्स वाली बात जो है मैं वो आपको सेंड कर दूँगी लेकिन अगली क्लास में ओके. थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, वॉश योर हैंड्स, बी सेफ, स्टे सेफ एट होम.